से आप लोगों को बताएं जो सोशल मीडिया पर खबरें चल चुकी हैं, जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं, कर्जा मुक्ति अभियान टीम दिल्ली की ओर से कर्जे के कारण दुनिया से जा चुके वो लोग जिनको आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। सबसे पहले तो आपका आभार, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये मुद्दा दिखाएगा नहीं उनको, तो ये आत्महत्या नहीं है, हत्या ही है। ये सिस्टमेटिक बनाया गया ऐसा सिस्टम, और जैसा आपने कहा कि लोग चौंक जाएंगे, यकीनन हम भी चौंक गए थे जब एनसीआरबी का डाटा, जो भारत सरकार की संस्था है, उसने बताया 50,000 से ज्यादा की तरफ से रिकवरी वालों की तरफ से कितना उसको टॉर्चर किया जा रहा होगा कि वो प्रेशर झेल नहीं पाया। मोरेटोरियम के नाम पर इन्होंने क्या किया, 3 महीने का मोरेटोरियम दे दिया कि 3 महीने आप किस्त मत भरिए। अब करा क्या उसके बदले में, 20 किस्तें बढ़ा दी जी। वो 3 किस्तें बंद कर दिया सरकार ने, 1.8 मिलियन फॉलोअर थे उस पर, यूट्यूब को मेरे बंद कर दिया, वहां से कुछ रिवेन्यू भी आ जाता था, सपोर्ट मिल जाता था। ये आप देख सकते हैं, ये पेपर की वो कटिंग है, जिस पेपर के कटिंग में से आप लोगों को बताएं जो सोशल मीडिया पर खबरें चल चुकी हैं, जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं, कर्जा मुक्ति अभियान टीम दिल्ली की ओर से कर्जे के कारण दुनिया से जा चुके वो लोग जिनको आज यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है शहनवाज टीम की तरफ से। जी हाँ, कर्जा मुक्ति की वो मैं आपको बात कहूँ तो लगातार वीडियो जो है वो उनकी वायरल रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम वो कटिंग्स हैं, तमाम वो पेपर्स के कटिंग हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं, और आप ये देख सकते हैं सामने जो आप देख सकते हैं कर्जा मुक्ति अभियान का जो है लगातार यहाँ पर हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लोगों ने अपना कहते हैं कि लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाने के लिए जंतर मंतर पर जब वो यहाँ पर पहुँचे, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ होके रहेगी, कर्जा माफी होके रहेगी, कर्जा माफी करनी पड़ेगी, कर्जा माफी करनी पड़ेगी, कर्जा माफी जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, आगे चलो आगे, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, 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 होके रहेगी कर्जा माफी, होके रहेगी कर्जा माफी, होके रहेगी कर्जा माफी, होके रहेगी कर्जा माफी, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, करना होगा कर्जा माफ करना पड़ेगा। धनराज साहब जिंदाबाद, धनराज साहब जिंदाबाद, धनराज साहब जिंदाबाद, कर्ज मुक्त भारत अभियान जिंदाबाद। मंच खाली करें, मंच थोड़ा सा जगह दे दीजिए, जनता का कर्जा माफ करना होगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं ये शोक सभा है और श्रद्धांजलि हम उन लोगों को दे रहे हैं, तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा शांति बनाए रखें, और मीडिया के साथी आए हुए हैं उनसे मैं बात रख रहा हूँ, फिर मैं अपनी बात भी रखूँगा, लेकिन ये कोई कार्यक्रम जैसा कार्यक्रम नहीं है, बस एक कोशिश है हमारी तरफ से, एक प्रयास है। हम उन दिवंगत आत्माओं को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम ये संदेश जाए कि कुछ लोग हैं जो उनके लिए उनके जाने के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिन पर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन वो यहाँ पहुँचे हैं,
इस उम्मीद में, इस आशा में कि शायद सरकार सुनेगी, सरकार को नजर आएगा कि इतने लोग परेशान हैं। और ये सिर्फ एक नमूना है कि इतने लोग, ये तो वो है जो खबरों में आ गए, इससे कई गुना ज्यादा ऐसे हैं जो खबरों में नहीं आ पाए हैं। तो शांति बनाए रखें, और अगर यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके परिवार का कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा कर्जे के कारण खासकर से, वो हमारी टीम से मिल ले, वो उनको अपनी बात दे दे, जानकारी दे दे, तो आपको भी मंच पर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, ताकि आप बता पाएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए। हम ये कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार वाकई में इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार की गलत नीतियां, खासकर से नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे, और कितना प्रेशर रहा होगा व्यक्ति के ऊपर कि उसने आत्महत्या कर ली है, आप हम सब समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शांति बनाए रखिए। इधर लो कैमरा लो। कर्जे को लेकर के भारत के तमाम राज्यों के अंदर में एक लहर उठती है कर्जा मुक्त की, लेकिन आज यहीं पर जो तमाम राज्यों के अंदर में ऐसी खबरें जिन्होंने, अगर आपको हम बता दें अपने चैनल के माध्यम से, तो आप लोग शायद सहम से जाएंगे कि कर्जे के कारण कई लोगों ने आत्महत्याएं कर दी, और आत्महत्या करने के बाद में भी उन लोगों को कर्जे से जो है वो मुक्ति नहीं मिली। वहीं पर हमारे साथ में टीम सहनवाज चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और आज जंतर मंतर पे हैं, और आज जंतर मंतर पे उन लोगों को श्रद्धांजलि का एक ऐसा प्रोग्राम रखा गया उस मंच के द्वारा कि उन लोगों को जो है वो श्रद्धांजलि दी जाए, और पूरी टीम जो है आज यहाँ पर एकत्रित है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से कर्जे को लेकर के आज हर घर परेशान है, हर घर परेशान है, मैं एक घर की बात नहीं कहूँगा, हर घर परेशान है, क्या कर्जे मुक्ति को सरकार जो है जिस तरीके से बड़े बड़े जो उद्योगपति है उन लोगों का कर्जा माफ कर दिया जाता है, और एक जो गरीब जिन्होंने अपने उद्योग के लिए छोटा मोटा कर्जा लेकर के आज उनको जो है उनको टॉर्चर करा जाता है, उनके परिवार वालों को टॉर्चर किया जाता है, उनके बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और आखिर में जाकर के वो लोग हत्या कर लेते हैं जिनकी खबरें जो हैं वो हेडलाइट पर चलती है, इसके लिए क्या कहेंगे जिससे उन लोगों को सहूलियत मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो आपका आभार, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया तो ये मुद्दा दिखाएगा नहीं, उनको तो शायद लगता है ये मुद्दा ही नहीं है। और ये बात सही है कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या ही है। ये सिस्टमेटिक बनाया गया ऐसा सिस्टम जिसमें कि आम इंसान इतना परेशान हो जाए, इतना परेशान हो जाए कि उसके पास मरने के अलावा कोई मार्ग ना दिखे। और जैसा आपने कहा कि लोग चौंक जाएंगे, यकीनन हम भी चौंक गए थे जब एनसीआरबी का डाटा, जो भारत सरकार की संस्था है, उसने बताया 50,000 से ज़्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है अकेले 5 साल के अंदर अंदर ही, और अगर हम 9 साल का कर ले तो शायद डबल होगा, उससे ज़्यादा होगा। और पिछले साल में ऐसा हुआ 2022 में 20,000 ज़्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की, और पहली बार ऐसा हुआ कि कर्जे के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या किसानों की से आत्महत्या से भी ज़्यादा हो गई। पहले हम सुनते आए थे देश में किसान आत्महत्या करते थे, अब किसानों से ज़्यादा व्यापारी, आम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति आत्महत्या करता है मतलब कितना उस पर प्रेशर रहा होगा बैंक की तरफ से, रिकवरी वालों की तरफ से, कितना उसको टॉर्चर किया जा रहा होगा कि वो प्रेशर झेल नहीं पाया और उसने दुनिया छोड़कर चला गया। सर, वहीं पर अगर उद्योगपति की अगर बात करें तो उद्योगपति जब वो बैंकों से कर्जा लेते हैं या सरकार के द्वारा जब कर्जा लेते हैं तो वो देश छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन जो वहीं पर एक वर्ग जो छोटा वर्ग है, जो लोग जिन्होंने कर्जा लिया, वो कर्जा मतलब देश तो छोड़ नहीं सकते लेकिन वो अपनी दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए और ऐसे सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिसकी वजह से ऐसा कभी दोबारा किसी घर के अंदर में ऐसी बातें ना हो? देखिए, सरकार को, जैसे मैंने कहा कि सरकार बड़े उद्योगपतियों को राहत दे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी भी जरूरत है देश को, उद्योगपति भी होने चाहिए, लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, कि अमीर है तो अलग कानून, गरीब है तो अलग कानून, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को नियम ऐसे बनाने चाहिए कि अगर कोई व्यापारी जब अच्छा काम कर रहा है, जब हम उससे टैक्स लेते हैं, तो जब उसका काम नहीं चल रहा, घाटा हो गया किसी भी कारण से, जैसे अभी लेटेस्ट में देखें तो नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग कर्जे की दलदल फंसे, तो कम से कम उनकी सुनी तो जाए, और जिनका जेन्युइन केस लगे उनको कम से कम राहत दे दी जाए, मैं ऐसा मानता हूँ। सरकार को ये नियम तो बना ही देना चाहिए। और हमने क्या मांग की थी, हमारी वित्त समिति के अध्यक्ष हैं सुरभि जी, जो सीए भी हैं, उन्होंने वित्त मंत्री जी को सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया था कि आप एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दो कि अगर कोई कर्जे के कारण मरने जा रहा है तो मरे नहीं, इस नंबर पे बात करें, उसे राहत मिल जाएगी। सरकार को उतना भी स्वीकार नहीं है, सरकार को लग रहा है कि नहीं, हम क्यों हेल्पलाइन नंबर जारी करें, और आपका मुद्दा जेन्युइन मुद्दा नहीं है, आप तो समस्या बढ़ा रहे हैं, वास्तव में इतनी समस्या नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूं सरकार। वहीं अगर सरकारों के ऊपर में अगर इस बात को अगर देखा जाए तो कई लोग ये भी कहते हैं कि कर्जा तो आपने अपनी जरूरत के लिए लिया था, ये ऑप्शन उठ रहा है। नहीं, देखिए बात सही है, व्यक्ति कर्जा लेता है अपने लिए ही लेता है, बात सही है इसमें, और ऐसा नहीं है कर्जा पहले नहीं लेते थे, पहले भी लेते थे,
समस्या क्या आई है? समस्या आई है जब नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, लॉकडाउन लगाया। अब नोटबंदी व्यापारी ने तो नहीं करी, बिल्कुल जीएसटी व्यापारी ने तो नहीं लगाया, लॉकडाउन व्यापारी ने तो नहीं लगाया। जब आप अचानक रात को 8 बजे आकर बोल देंगे कल से नोट बंद, आप अचानक रात को 8 बजे आकर बोल देंगे कल से देश बंद, वो व्यक्ति जो रोज कमाने खाने वाला वो क्या करेगा? बिल्कुल। और उसकी किस्त नहीं जाएगी तो बैंक वाला नहीं रुकेगा। मोरेटोरियम के नाम पर इन्होंने क्या किया, 3 महीने का मोरेटोरियम दे दिया कि 3 महीने आप किस्त मत भरिए। अब करा क्या उसके बदले में, 20 किस्तें बढ़ा दी जी। वो 3 किस्तें लास्ट में ऐड कर दी। तो अब बैंकों ने देखा ही नहीं, सरकार ने देखा ही नहीं कि समस्या कितनी गंभीर है, और समस्या का समाधान करने के बजाय लोगों को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। अब जो है उस किस तरीके से अब जो है समाधान निकलेगा जिससे लोगों को राहत मिल सके, और जिन लोगों ने ऐसी कदम उठाए हैं जिन्होंने आत्महत्या करी और जो कि ये हत्या के एक रूप में देखा जा रहा है, तो लोग जो है अभी ऐसा कदम ना उठा पाए, अब इसके लिए आपकी संस्था क्या? सबसे पहले तो हम अपील कर रहे हैं, अब मेरा फेसबुक पेज तो बंद कर दिया सरकार ने, 1.8 मिलियन फॉलोअर थे उस पर, यूट्यूब को मेरे बंद कर दिया, वहाँ से कुछ रिवेन्यू भी आ जाता था, सपोर्ट मिल जाता था। मैं एक ट्रेनिंग देता था कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, 17 लाख लोग ट्रेनिंग अटेंड कर चुके थे, वो चैनल बंद कर दिया गया। तो सरकार ना तो खुद मदद कर रही है और ना हमें मदद करने दे रही है। मैं मानता हूँ कि कम से कम कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे। आपके माध्यम से भी यही कहना चाहूंगा, देश में कर्जों भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह निःशुल्क है, किसी को 1 रुपया नहीं देना है, और फॉर्म भरिए, ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग भी निःशुल्क है। हमारे अभियान में जितने साथी हमारे जुड़े उनको हम ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। आज आप यकीन करिए कि जो 12 लाख लोग जुड़े हैं उनमें 2 लाख लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उन्होंने वो ट्रेनिंग ले ली या जुड़ गए, वरना वो शायद दुनिया में नहीं होते। तो इस पर तो मुझे लगता है मुझे और मेरी टीम को सरकार से अवार्ड मिलना चाहिए था, रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, सम्मान होना चाहिए था। और सरकार क्या कर रही है, सरकार ने चैनल भी बंद कर दिया कि आप गाइड भी मत करिए। सर अगर अगर जिस तरीके से आपका फेसबुक आईडी को अगर बंद कर दिया जाता है या आपका कोई यूट्यूब चैनल है उसको अगर बंद कर दिया जाता है तो किस माध्यम से लोगों तक अब आपकी आवाज को जो है वो पहुंचा? वो तो ऑलरेडी बंद कर दिया गया, लेकिन देखिए फिर भी लोग आए और लाखों लोग जुड़ रहे हैं। अभी हर दिन 5-7 हज़ार नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वो कैसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, मैन टू मैन इन्फॉर्मेशन जा रही है। अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया तो 10 लोगों को बता रहे हैं। तो अब ये अभियान फेसबुक या यूट्यूब पर डिपेंड नहीं है, अब ये जमीन पर उतर चुका, और सरकार ने बहुत देर कर दी। अगर ये काम करना था तो 1 साल पहले करते, अब तो जनता में जा चुका और क्लिप बनकर वीडियो बनकर बहुत जगह सर्कुलेट हो गई। अगर व्यूज़ की बात करें तो लगभग 300 मिलियन व्यूज़ थे मेरे चैनल पर, तो 30 करोड़ लोगों तक बात पहुँच चुकी है। तो अब ये बात को रोक पाना लगभग असंभव है। असंभव है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी, बाकी आप लोगों की क्या होगी राय आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे कैमरामैन राज के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, जय हिंद।